हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की जो ये वीडियो है ये हरियाणा के प्लस टू के उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने अभी अभी प्लस टू पास की है और जो कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप हरियाणा के किसी भी कॉलेज की डिटेल्स को कैसे ऑनलाइन घर बैठे चेक कर सकते हो, कैसे आप चेक कर सकते हो कि किस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज़ हैं, क्या क्या उनकी फीस है और टोटल कितनी सीट्स हैं किस कॉलेज में किस कोर्स की। तो ये सारी डिटेल्स जो है आप कैसे चेक कर सकते हो, इसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे जो है आपको सर्च कर लेना है हरियाणा एडमिशन पोर्टल। हाँ जी, तो जैसे ही आप यहाँ पे हरियाणा एडमिशन पोर्टल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट ही वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। हायर एजुकेशन हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे आपको जो है सीधा ही लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन एडमिशन्स का। आपको ज़्यादा आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको यहाँ स्टार्टिंग में ही ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ कि जो एडमिशन है वो आपके 5 जून से जो है स्टार्ट होने थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन आ गया था DHE की तरफ से। उन्होंने जो है जो शेड्यूल था एडमिशन्स का उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है फिलहाल के लिए। तो जैसे ही कोई न्यू अपडेट आएगी मैं आपको उसके बारे में बता दूंगी। तो चलिए मेन टॉपिक पे अपने आते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर जो है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है सर्च कॉलेज या फिर कोर्स। इस ऑप्शन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे जो है आपके पास जितने भी UG के जितने भी कॉलेजेस हैं यहाँ पे, हाँ जी जितने भी UG PG के कॉलेजेस हैं हरियाणा के, वो सारे आपके पास जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो। तो मैं आपको जो है यहाँ पे थोड़ा एक दो कॉलेज के मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी कि आप कैसे इसको चेक करोगे। तो जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है गवर्नमेंट कॉलेज नारायणगढ़, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे 9 कोर्सेज जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं इन्होंने, और उसके बाद टोटल यहाँ पे सीट्स हैं 1130 टोटल सीट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ये बेसिक डिटेल्स जो है इनके बारे में पता लगेगा, लेकिन अगर आपको और डिटेल में जानना है इस कॉलेज के बारे में तो आपको जो है यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन का जो ये ऑप्शन है इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास जो है यहाँ पे, हाँ जी, तो आपके पास जो है यहाँ पे ये सारी डिटेल्स जो है आ जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको कॉलेज का नाम दिख जाएगा, कॉलेज किस टाइप का है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। यहाँ पे कॉलेज का एड्रेस आपको दिख जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशन मोड कौन सा है। यहाँ पे कॉलेज की आपको वेबसाइट जो है ऑफिशियल वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद आगे आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है जो कॉलेज का वो भी आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे जो ईमेल आईडी है कॉलेज की वो भी आपको यहाँ पे शो होगी। उसके बाद प्रिंसिपल का जो नेम है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके बाद प्रिंसिपल का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आगे आपको यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन के लिए जो भी ऑफिसर है उसके बारे में यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्ट्रीम के अकॉर्डिंग भी आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आर्ट स्ट्रीम के लिए कौन होगा टीचर और कॉमर्स के लिए कौन होगा। तो ये सारी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी, और ये सिर्फ इसी कॉलेज का नहीं है, आप यहाँ पे किसी भी कॉलेज का देख सकते हो। जो हरियाणा के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं आप उन सब की डिटेल्स ऐसे ही चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि ये जो कॉलेज है ये कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये BA इन्होंने प्रोवाइड की हुई है, BCom जो है यहाँ पे, हाँ, BCom है, BSc है नॉन मेडिकल से। ठीक है, उसके बाद MA भी है यहाँ पे, MCom भी है। तो ऐसे जो जो कोर्सेज कॉलेज में अवेलेबल होंगे तो वो सारे यहाँ पे आपके पास शो हो जाएंगे।
उसके बाद आगे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो है आपको टोटल सीट्स के बारे में जो है पता लग जाएगा, टोटल कितनी सीट्स हैं किस कोर्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बीए की जो है इस कॉलेज में 450 सीट्स हैं, वहीं पे बीकॉम की यहाँ पे 240 सीट्स हैं। तो ऐसे जो है आपको यहाँ पे कॉलेज सीट्स का यहाँ पे पता चल जाएगा। उसके बाद अगर कोई स्पोर्ट्स की जो है सीट अगर कोई होगी तो वो आपको यहाँ पे शो होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका जो मेन यहाँ पे बात आती है कोर्स फीस की, तो यहाँ पे जो है आपको कोर्स की कितनी फीस है उसके बारे में आपको जो है यहाँ पे पता चल जाएगा। तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हो जो बीए की यहाँ पे फीस है वो 6,538 रुपये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बीकॉम की फीस है वो 5,590 रुपये है। तो यहाँ पे जो है आप किसी भी कॉलेज की किसी भी कोर्स की आप फीस जो है यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक कॉलेज का जो है दिखाया है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको दिखाती हूँ मैं कि आगे आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे जितने भी कॉलेजेस हैं, और यहाँ पे जो है आपके पास जो भी ये कॉलेजेस दिए गए हैं यहाँ से आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अंबाला डिस्ट्रिक्ट है, तो ए से जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट होंगे तो वो ऐसे आपको शो होंगे, पहले ए वाले फिर बी वाले, ऐसे जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको सर्च का यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको जो है यहाँ पे स्क्रॉल ही करते जाना होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से हो अगर आप, तो पंचकुला के अगर आप देखना चाहते हो किसी भी कॉलेज के, तो मैं आपको जो है वो यहाँ पे शो करती हूँ, दिखाती हूँ आपको कि यहाँ पे आप कैसे उसको चेक करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जे अल्फ़ाबेट्स के जो है चल रहे हैं, जिंद के जो कॉलेज हैं उनके बारे में यहाँ पे डिटेल्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे जो है आपको देखने के लिए मिल जाएगा, हाँ जी, ये करनाल डिस्ट्रिक्ट है, जो करनाल के कॉलेजेस हैं, कुरुक्षेत्रा के हैं जो भी। तो यहाँ पे आपको हरियाणा में जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, हाँ जी, यहाँ पे जो है आपको दिखाती हूँ मैं कि पंचकुला यहाँ पे आर वाले ये स्टार्ट हो चुके हैं आपके, ठीक है। तो आप अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस मिलती रहती हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आगे जितनी भी वीडियोस हैं आने वाली वो सभी जो है आप देख सको, कोई भी वीडियो आपसे जो है मिस ना हो। तो हाँ जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पंचकुला के यहाँ पर कॉलेजेस जो है आ चुके हैं, ठीक है। पंचकुला जो डिस्ट्रिक्ट है उसके कॉलेजेस यहाँ पर आ चुके हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक दो कॉलेज और जो है उसके करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल रायपुर रानी, ठीक है, जो कॉलेज है यहाँ पे 3 कोर्स जो है इन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं और टोटल 270 सीट्स जो है आपके पास यहाँ पे हैं। तो सेम अगर आप इसके बारे में आगे जानना चाहते हो तो यहाँ पे आपको सिंपली मोर इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है सेम वैसे ही डिटेल्स जो है शो होंगी। हाँ जी, आप यहाँ पे देख सकते हो सेम आपको वैसे ही यहाँ पे वेबसाइट के बारे में भी सारा कुछ आपको डिटेल्स जो है यहाँ पे मिल जाएंगी, प्रिंसिपल के बारे में भी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो सेम आपको यहाँ पे ऐसे ही आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है मिल जाएंगी। और यहाँ पे आप जो है देख सकते हो बीकॉम की जो है यहाँ पे रायपुर रानी में 5,480 रुपये फीस है बीकॉम की, और 80 सीट्स जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ऐसे ही आप, जैसे अभी मैंने आपको एक दो कॉलेज का यहाँ पे मैंने आपको चेक करके बताया है, तो आप जो है ऐसे ही अपने कॉलेजेस का, आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो आप जो है उस कॉलेज के बारे में यहाँ से जो है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है देख सकते हो कॉलेज के बारे में, कि कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, कैसे उसमें कितनी फ़ीस होगी, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो है मैं एक दो कॉलेज का और यहाँ पर दिखाती हूँ आपको, हाँ जी। तो ये पंचकुला के ही कॉलेजेस का मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने अभी आपको रायपुर रानी का दिखाया था, हाँ जी। उसके बाद जो है यहाँ पे बरवाला का भी है, और यहाँ पे आपको दिखाती हूँ सेक्टर 1 जो पंचकुला का है। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको टोटल 25 कोर्सेज हैं यहाँ पे, और टोटल जितनी सीट्स हैं वो 2,180 सीट्स हैं यहाँ पे टोटल। उसके बाद यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी है, ठीक है। उसके बाद सेम यहाँ पर आपको मोर इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है आपको सेम जैसे पहले इन्फॉर्मेशन शो हुई थी, तो वैसे ही आप
आपको यहाँ पे भी, हाँ जी आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सेम वही जो है सारा कुछ आपको यहाँ पे डाटा जो है शो होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ जी ये बीए की है जो भी है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद बीएससी है, बीकॉम की आप देख सकते हो यहाँ पे, बीकॉम के जो स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज पंचकुला सेक्टर वन में 320 सीट्स जो है आपके पास यहाँ पे होंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फीस के बारे में भी, यहाँ पे जो है 5,480 रुपये जो है फीस है बीकॉम की गवर्नमेंट कॉलेज पंचकुला सेक्टर वन में। तो यहाँ से जो है आप अपनी सभी कॉलेजेस की डिटेल्स जो है चेक कर सकते हो। तो आपको जब एडमिशन लेना है जिस भी कॉलेज में, आप जो है यहाँ से उसकी डिटेल्स को चेक कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग आप जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की छोटी सी वीडियो, जिसमें मैंने आपके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि आप कैसे किसी भी कॉलेज की, हरियाणा के किसी भी कॉलेज की डिटेल्स को चेक कर सकते हो ऑनलाइन घर बैठे। तो आगे एडमिशन का जो भी शेड्यूल होगा, जो भी नोटिस आएगा, तो मैं उसके बारे में आपको अपडेट कर दूंगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक थैंक यू सो मच।